बड़े फक्र और गर्व की बात है। एक तरफ कर्नाटक में श्री राहुल गांधी की तपस्या, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का संकल्प और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति नहीं, मैं जहां जाता हूं आपकी आत्मा और भावना साथ लेकर जाता हूं, और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की मेहनत, जहां एक तरफ पूरे देश की फिजा बदलकर कर्नाटक में कांग्रेस की विजय लेकर आई, वहां दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में दूसरी बार किसान और मजदूर के सामने दिल्ली और चंडीगढ़ की सत्तासीन सत्ता का अहंकार भी टूटकर जमीन पर आया। कर्नाटक की विजय और मजदूर और किसान की विजय, दोनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, मुझे अनेक साथियों ने हरियाणा के कैथल के, जींद के, पुंडरी के, उचाणा के, नरवाणा के, गुलाचीका के, कलायत के, सफीदों के, हर इलाके के साथी ने पिछले एक साल में अनेकों बार शिकायत की, और वो शिकायत थी, और मेरी मां ने भी की। आप सब मेरे मां पिता भाई बहन आप ही तो हैं, पर मेरी मां ने भी मुझे कहा कि एक साल बीत गया तुम घर लौट कर नहीं आते, और लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा इतना छोटा प्रांत है कि वहां का व्यक्ति, वहां का किसान का एक बेटा, कपिस्थल की तपोभूमि का एक नौजवान शायद कभी भी, इतना बड़ा प्रांत जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली उनके बराबर है, वहां अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा। बार बार ये कहा जाता, इसको 2 मिनट बेटा बंद कर दो, बार बार ये कहा जाता था कि 75 साल में हरियाणा के किसी आदमी ने संगठन की जिम्मेवारी लेकर देश के तीसरे सबसे बड़े प्रांत में कांग्रेस की विजय पताका नहीं फहराई। यह भी कहा जाता था कि एक जमाने में जिस प्रांत में गुलाम नबी आजाद जी के महासचिव होते हुए कांग्रेस 122-125 सीट लेकर जीती थी, वहां उनसे बहुत कम तजर्बे वाला व्यक्ति, उनसे बहुत कम उम्र वाला व्यक्ति, ऐसे समय में जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार नहीं, वो क्या कर पाएगा। पर हरियाणा की माटी को जब जब ललकारा गया है, हरियाणा की माटी ने हर बार महाभारत का, पानीपत का एक नया इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास रचकर दिखाया। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के असली शिरोधार कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, कर्नाटक का कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की असीम तपस्या, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार चलता संकल्प है। पर जैसे एक चींटी का योगदान जब रामायण लिखी गई तो उसमें था, हरियाणा का योगदान हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कोई हैसियत नहीं, वो केवल एक इंसान है,
पर ये सच मानिए, मैं आपसे चाहे कितना दूर था, मैं आपसे चाहे हजारों किलोमीटर दूर बैठा था, पर आपका संकल्प, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद और हरियाणा की अस्मत को ना टूटने देने का संकल्प मेरे साथ था, और इसीलिए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की विजय पताका हम फहरा पाए। हम तुम्हारे साथ हरियाणा के दीप की, जय बलराम दीप की। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी वहां बजरंग बली जी का झूठा नारा लगाते थे। मैंने उन्हें कहा, शायद आप भूल गए, हरियाणा के लोग तो बजरंग बली जी के असली वंशज हैं, हमसे क्या मुकाबला करेंगे। बजरंग बली नाम है त्याग का, बजरंग बली नाम है सेवा का, बजरंग बली नाम है एक उंगली पर पहाड़ ले आने का, उठा लेने का, बजरंग बली नाम है इतिहास को बदल देने का, और बजरंग बली नाम है इतिहास लिख देने का, और हरियाणा के लोगों ने ये फिर करके दिखा दिया, ये साबित करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि असली बजरंग बली के वंशज तो हरियाणा के अंदर निवास करते हैं। जिंदाबाद, 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 हरियाणा के दीप की, जय बलराम दीप की। मेरे बुजुर्गों साथियों, नौजवान भाइयों, कर्नाटक की जीत का अगला संकल्प अब कैथल के ऊपर है। ये जीत केवल सरकार बनाने के लिए नहीं थी, ये जीत केवल सत्ता में आ जाने के लिए भी नहीं थी। हमने ये लड़ाई पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ी। आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गारंटियों की बात करते हैं, आज शिवराज सिंह चौहान आपके बेटे के द्वारा लिखी गई गारंटी मध्य प्रदेश में लागू करने की हैसियत उठाते, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन, उन्होंने बाकायदा अपना एमिसरी हमारे पास भेजा और कहा रणदीप आपने क्या लिखा है, और उन्होंने तमिलनाडु में हमारी बहनों के लिए जो आपके बेटे ने लिखा था वो इस बजट में लागू कर दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू, उन्हें भविष्य की गारंटी कहकर लागू करना चाहते। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार ने उस गारंटी का एक और जज्बा लागू करके दिखाया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने, जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, युवा कांग्रेस में जिन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने उन गारंटी की कॉपी मंगवाकर उसे लागू करना शुरू कर दिया। मैं जब कर्नाटक में हमारे साथियों को ये कहा करता था कि कांग्रेस की 5 गारंटियां एक दिन, मैं कांग्रेस के साथियों को हर जिले, हर विधानसभा, 224 विधानसभाओं में कई कई बार गया और उनको कहा एक दिन, मैंने कहा आप इसको हर घर में लेकर जाइए, एक दिन पूरा देश इसे लागू करेगा, ये रणदीप का वचन है जो आज पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, वो घोषणा करके आई हैं कि कांग्रेस की वो 5 गारंटी अब अगली कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी लागू करके दिखाएगी। इसलिए ये लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं थी, ये लड़ाई केवल कांग्रेस को सत्ता में लाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई किसी को मंत्री या विधायक बनाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई थी कर्नाटक के 7 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की और पूरे देश में एक नया इतिहास की संरचना करने की। क्योंकि जब आपके अजीज ने, आपके बेटे ने कांग्रेस के उस एजेंडा की शुरुआत की, तो कर्नाटक समेत देश के कई लोग, कई पार्टियां, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री उसका मजाक उड़ाते थे। हमने ये कहा, प्रियंका गांधी जी आई, हमने ये वादा किया हर परिवार की एक मुखिया महिला को,
हर महीने 2,000 रुपया उसके खाते में जमा करवाएंगे। गैस का सिलेंडर 1,100 रुपए का कर दिया। नरेंद्र मोदी जी और खट्टर साहब तो गृहस्थी चलाते नहीं, उन्हें तो गैस का सिलेंडर लाना नहीं, मेरी माताओं और बहनों को तो लेकर आना है ना। काश कभी गैस का सिलेंडर मोदी जी भरवा के देखा होता, खट्टर साहब कभी भरवा के देखा होता तो पता चलता 400 का गैस सिलेंडर जब 1,100 का हो जाता है तो पेट कटता। 150 और 200 रुपया किलो की जब दाल खरीदनी पड़े, जो कांग्रेस के शासन में 60 रुपया किलो की थी, तो घर का बजट बिगड़ जाता है। जब 30 और 40 रुपया किलो दूध लेना पड़े और बच्चे को पलिया बांट बांट कर देना पड़े, क्योंकि पूरा पैसा नहीं है किसी गरीब के पास, हर किसान के पास, हर दुकानदार और मजदूर के पास, तो माँ का कलेजा कट जाता है। जब खाना पकाने का तेल, डालडा तो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, अब तो डालडा के लिए ये देश तरसता है, 200 रुपए के अंदर सोयाबीन का तेल लेकर आना पड़े, तो माफ कीजिए कि फिर दो बार आदमी देखता है जेब में पैसे हैं या नहीं, या फिर अंटी वाले निकालूं, या फिर जो पीपे के अंदर छुपा के रखे थे बुरे समय के लिए वो निकाल कर लेके जाऊं। इसलिए कांग्रेस की एक गारंटी आपका अजीज लेकर आया। वहां लगभग 1,28,00,000 गरीब परिवार, सबसे ज्यादा हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग उस प्रांत के अंदर है। जमीन नहीं, साधन नहीं, आय नहीं, केवल दर्द है, बेरोजगारी, भूखमरी है। इसलिए हमने फैसला किया, कितना पैसा भी लगे, कितना भी पैसा लगे, 1,28,00,000 परिवार यानी 4,42,00,000 लोग, हमारी जनसंख्या के मेरी छोटी बहन डबल, उनको 1 अगस्त से हर परिवार को 10 किलो अनाज मुफ्त देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।